नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हमने दिन की शुरुआत ले से करी, अपने होमस्टे से चले, आधे घंटे का सफर करके अभी हम स्टोक पैलेस विजिट करने के लिए आए हैं। सामने आप पैलेस देख लीजिए, ये पैलेस हमको यहाँ पर जाना है। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े होकर, मतलब गाड़ी जैसे हम हल्का सा स्लो हुए ना, मैंने गाड़ी से उतर गया। मैंने ड्राइवर को बोला, भाई आप एक काम करो, आप जाके गाड़ी खड़ी कर दो पैलेस की पार्किंग में, यहाँ से मैं पैदल आऊँगा। थोड़ा नज़दीक से इन खूबसूरत पुराने पेड़ों को भी देखते हैं। देखो ना कितने नज़दीक पेड़ हैं, और पेड़ अंदाज़ा लग रहा है देखकर कि बहुत पुराने पेड़ हैं। यहाँ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू को। जो चीज़ चार चांद लगा रही है वो है ये बहता हुआ पानी। चलो अभी काम करते हैं, वॉक करके ऊपर पैलेस की तरफ चलते हैं। वहाँ जाके हम म्यूजियम विजिट करेंगे और ऊपर से नीचे का व्यू भी देखेंगे। चलो जी, हम पैलेस तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर आके मालूम चला है कि आज पैलेस विजिट भी बंद है, और जो म्यूज़ियम है वो भी आप विज़िट नहीं कर सकते क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो हो सकता है 2 या 3 महीने लग जाए रेनोवेशन कंप्लीट होते होते, तो हम अंदर फ़िलहाल नहीं जा सकते। बाहर से जो व्यू मैं देख रहा हूँ वो ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे ख़ास बात ये है कि हमको सबसे अपने सामने पहले तो बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, कि लद्दाख में ऐसे सीन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे जहाँ आपको इतने सारे पेड़ एक साथ दिख जाएं। और इस तरफ को ये बहुत सारे स्तूप हैं, ये जो पहाड़ हैं ये तो एक सरीके के लग रहे हैं। सामने लॉर्ड गौतम बुद्धा का स्टैचू है, और यहाँ के पहाड़ों का रंग अलग है, ये दिख समझ में तो आ रहा है। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मनाली लेह हाईवे है। आते समय तो बाई एयर आए थे हम यहाँ पर, तो हमने अप्रोच नहीं देखा था लेह का बाय रोड अप्रोच कैसा है, लेकिन जब हम वापस जाएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाय रोड मनाली तक जाएं। अब थोड़ा आज के बारे में बता देता हूँ। डोरजी भाई हैं जिनके साथ हम ये सफ़र कर रहे थे ना पिछले 2 दिन से, अब उनके तबीयत कल ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था, वो आज भी ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ लोकल घूमने के लिए हमारे साथ रिक्सन भाई हैं, तो हमारे होमस्टे जो ओनर हैं डेविड साहब, उनकी हेल्प से इनका रेफरेंस आ गया। तो अब जैसे आपने मेरे को बताया सुबह आकर कि यहाँ पे यूनियन का रेट रहता है 8 घंटा, जो फुल डे टूर होता है उसका 3750, बेसिकली इनोवा क्रिस्टा गाड़ी के लिए, मतलब इस कैटेगरी की गाड़ी के लिए, और फिर हर 1 घंटे एक्स्ट्रा के लिए 350 रुपीज़। मैं राउंड में बता रहा हूँ, एक्चुअली 345 कुछ होता है, राउंड में 350 रुपीज़ 1 आवर एडिशनल। बाकी छोटी गाड़ी रहेगी तो रेट उसके हिसाब से कम रहता है। मनाली से लेह तक तो आप टैक्सी में आ जाओगे, लेकिन ले पहुंचने के बाद आपको जो जगहें देखनी है, गांव विजिट करने हैं, नुब्रा वैली जाना है, पैंगोंग जाना है, कहीं भी जाना है, या मान लीजिए स्टोक पैलेस ही आना है, तो ये भी गांव के अंदर ही है ना, तो यहाँ के लिए आपको लोकल टैक्सी यूनियन से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ये सिस्टम है, तो मनाली की गाड़ी यहाँ नहीं आती। आउटसाइड प्राइवेट व्हीकल तो आ सकता है, अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो आप सेल्फ ड्राइव करके आ सकते हो, बट कमर्शियल गाड़ी नहीं। तो ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया। आई रियली विश कि हम म्यूज़ियम विज़िट कर लेते, और इनका ना एक हेरिटेज होटल है वो भी देख लेते। इतना तो हमें पता लग गया कि उस स्टार्टिंग टैरिफ 18,000 पर डे के हिसाब से है, फिर आई थिंक 30-35,000 रुपये पर डे है। ये मैंने सब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। और पिछली कुछ देर से ना हल्की हल्की बूंदाबांदी से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर बारिश ना बहुत कम होती है, ना के बराबर ही समझो, लेकिन ऐसी बहुत बूंदाबांदी बीच बीच में हो जाती है। अब हमें चलना चाहिए नीचे की ओर, और नीचे मतलब लेक की ओर। गाड़ी आपकी ये खड़ी है ना सामने, ठीक है, आ जाओ चलते। स्टोक पैलेस से जब हम चले ना तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ देखने को मिल रहे थे। चलते चलते अभी हम ले मार्केट के पास तक पहुंच चुके हैं। जब आप ले घूमने आओगे ना तो आप इस पार्किंग एरिया में 2-4 बार तो आ ही जाओगे, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की ये बहुत बड़ी जगह है। तो पहले यहाँ पर ना पोलो ग्राउंड हुआ करता था, पोलो खेली जाती थी, तो अब ये पार्किंग बन गई है। सामने वो कल हमने पैलेस विजिट किया था ना, देखो
वो ले पैलेस है। तो मैंने ऊपर से बताया था नीचे देखो पार्किंग है, अब नीचे से हम आपको ले पैलेस दिखा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नज़दीक में म्यूज़ियम है, चल के म्यूज़ियम विज़िट करते हैं और रास्ते में मार्केट का भी एक हल्का सा ग्लिम्स देख लेंगे। पार्किंग से मैंने 5 मिनट का सफ़र किया पैदल और हम ज़ांस्पा हाउस पहुँच गए हैं। सेकेंड फ्लोर पर आके मुझे मालूम चला ये म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ पर रॉक आर्ट पर एक लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी इतनी खास है कि रॉक आर्ट के ऊपर आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी बुक्स मिलेंगी जो रेयर कलेक्शन है, डिफ़िकल्ट है कि आपको एक ही लाइब्रेरी में इस प्रकार की कलेक्शन मिल जाए। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारी मुलाकात यहाँ पर डॉक्टर सोनम के साथ हुई है। तो अच्छी बात हुई कि हमारी आपसे मुलाकात होगी और आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो कलेक्शन है बहुत रेयर है और कुछ बुक्स भी आपने हमें दिखाई, द वर्ल्ड ऑफ रॉक आर्ट, जो टाइटल से मालूम चल रहा है, प्लस मैंने कुछ पेजेस भी फ्लिप करके देखे थे कि फोटोग्राफ्स भी हैं और इन्फॉर्मेशन भी है, लाइफ ऑन द रॉक्स, रॉक आर्ट इन द ओल्ड वर्ल्ड, बहुत अच्छी कलेक्शन है। थोड़ा सा आप बताइए कि आप क्या करते हैं और थोड़ा इस कलेक्शन के बारे में भी। जी, एक्चुअली मेरा एक एनजीओ है, हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, एंड एज ए पार्ट ऑफ द एनजीओ वी हैव अ रॉक आर्ट यूनिट। सो अंडर द रॉक आर्ट यूनिट वी ट्राई टू डॉक्यूमेंट ऑल द रॉक आर्ट साइट्स इन लद्दाख, एंड ऑल्सो वी आर रनिंग दिस लिटिल लाइब्रेरी and which has a very good collection. It's all donated by Mr. Virap Mehta, and he's very passionate about rock arts in Ladakh and all the Central Asian countries. And the books we have here are his lifelong collections. तो जब आप इस प्रकार की रॉक आर्ट की बात कर रहे हो, टाइटल देख के भी देखो हमें एक आइडिया लग रहा है, तो ये तो प्री हिस्टोरिक टाइम की हो गई। हाँ जी, पेट्रोग्लिफ्स आर मोस्टली प्री हिस्टोरिक। वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोग्लिफ्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोग्लिफ्स। हम लोग ना कोंकण गए थे, तो वहाँ पर एक जगह आता है, डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, तो वहाँ पर भी हमने रॉक आर्ट्स देखे थे, पेट्रोग्लिफ्स। तो मालूम चला था कि 8000 साल पुराने पेट्रोग्लिफ्स हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर भी अभी टूरिस्ट दे डोंट नो ऑल दिस रॉक आर्ट साइट्स, पेट्रोग्लिफ साइट्स, बट देर आर सो मेनी पेट्रोग्लिफ साइट्स स्पेशली अलोंग द इंडस रिवर एंड ऑल्सो द शायोक रिवर इन नुब्रा वैली। इन सबको मेरे हिसाब से टूरिस्ट मैप पे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स अभी लोग नुब्रा जा रहे हैं एंड वन मे नॉट बी अवेयर कि आपके 100 मीटर्स पे ही रोड पे पेट्रोग्लिफ है। रोड साइड में भी मिलेंगे आपको पेट्रोग्लिफ्स। यहाँ आपने जैसे कुछ देर पहले मुझे बताया कि जैसे आज हम संगम जा रहे हैं, संगम से आगे अलचित मोनेस्ट्री है ना, अलची, तो वहाँ पर भी पेट्रोग्लिफ है, तो हमने लोकेशन समझ ली है। हम वहाँ पर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर पेट्रोग्लिफ्स है। वहाँ पर आपको मतलब डिफरेंट पीरियड का पेट्रोग्लिफ्स मिलेंगे, आपका प्री हिस्टोरिक भी मिलेंगे और आपको 10th-11th सेंचुरी का पेट्रोग्लिफ्स भी मिलेंगे। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। पीछे का ना मेरे को मैप भी अच्छा लग रहा है, तो ये हेरिटेज मैप ऑफ लद्दाख है, तो सारी जो हेरिटेज लोकेशंस हैं उनको आपने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसमें आप वो पॉइंट बता सकते हैं, इंडस रिवर लद्दाख में कहाँ से एंटर करती है? एक्चुअली वहाँ देमजोक से शुरू होते हैं, मतलब एंटर करते हैं लद्दाख में, लेकिन वी हैव मा कॉली लोमा अप टू लोमा, सो इंडस वैली रन्स फ्रॉम हियर अलोंग द रोड एंड लेस हियर, सो वी आर हियर राइट नाउ एंड दिस इज संगम वेयर ज़ांस्कर रिवर एंड इंडस रिवर मीट हियर। आज हम ना यहाँ जाने वाले हैं, तो हम जैसे अभी आपने बताया संगम देखेंगे। बिल्कुल, सो दिस इज जस्ट नियर बाई द नीमो विलेज, हार्डली जस्ट 1 किलोमीटर, उसके बाद इंडस जा रही है। हाँ जी, तो बटालिक के बाद आगे जाएंगे तो पीओके आ जाएगा। yeah. अच्छा हो गया हमारी आपसे मुलाकात हुई। yeah. थोड़ा रॉक आर्ट के बारे में मालूम चला, प्लस थोड़ा रिवर सिस्टम समझ लिया। nice meeting you, sir. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये जगह ले की मेन मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ, वेरी वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन मार्केट, जगह जगह बेंचेस लगे हुए, अगर आप बैठकर थोड़ा व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट वॉक अराउंड। और काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ, पश्मीना शॉल भी इधर मिलेगी और कुछ एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स भी हैं। लंच करने के लिए अभी हम यहाँ पर आए हैं, सामने देखिए मीराज एम्पोरियम के ऊपर वॉक तिब्बतन किचन है ना, इधर चलेंगे। यहाँ पर आके मैंने अपने लिए हाफ प्लेट थुप्पा लिया, क्वांटिटी भी सही है, थुप्पा यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब कैसे बताऊँ कि थुप्पा और मोमोज बोले तो लद्दाख में
हर कोई खाना पसंद करता है रेगुलर बेसिस पे। पालक, गाजर, मटर, प्याज, ये सब तो ऊपर से दिखाई दे ही रहा है। टीमो भी आ गया। मैंने दो चीज़ मंगाई तुप्पा के साथ साथ ना, टीमो मंगा लिया और इन्होंने ग्रेवी दिया जिसमें बहुत सारा मिक्स वेजिटेबल्स है। टेस्ट सही है। आमतौर पे ना टिबेटन फूड जैसे ब्लैंड सा होता है ना, मैं ब्लैंड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें स्पाइस नहीं होता, किसी भी तरह के मसाले नहीं होते, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालते हैं और बहुत हो गया तो लहसुन डाल दिया, और वेजिटेबल्स होती हैं, एक सूप है जिसमें नूडल्स हैं और मिक्स वेजिटेबल्स हैं, और थोड़ा सा सोया सॉस नाम मात्र ने डाला कि खाने से पता भी नहीं लगता कि सोया सॉस इसके अंदर है, लेकिन हल्का हल्का मिक्स कर दिया। टेस्ट में ऑथेंटिसिटी है ये मैं कह सकता हूँ। वैसे तो रेस्टोरेंट्स में टीमो मैदे का मिलता है जैसे अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं, लेकिन जब लोग घरों में बनाते हैं ना तो इसको आटे से ज़्यादा तैयार करके खाना पसंद करते हैं, इसको स्टीम किया जाता है। छोटी छोटी सब्जियों को काट के ना बड़ी खूबसूरत थिक ग्रेवी में इसको तैयार किया, और इसका जो कॉम्बिनेशन टिमो के साथ है बहुत खूब, और ये ना हैवी होता है, ऐसे दो पीस खा लिया ना आपने तो आपका लंच इसी में हो जाएगा। अच्छा हो गया हम लोग ये थुप्पा ले लिया यहाँ पर और टिमो और साथ में ग्रेवी आ गया, लवली। लंच फिनिश करने के बाद हम लोग संगम की तरफ जाएंगे। रास्ते में जो जो पॉइंट्स आएंगे जहाँ हम रुकेंगे वो आपको दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। ले से चलने के बाद हमने राइट हैंड साइड पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखा, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, सीधा हम आलसी मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं, रिटर्न में हम गुरुद्वारा विजिट करते हुए ले चले जाएंगे। तो थोड़ा सा और आगे आए तो ये मैग्नेटिक हिल के पास हम आ गए हैं। अब यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना टेस्ट लेन। अब वहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मेन रोड है, ट्रैफिक चलता है, तो रोड को ब्रॉड करके यहाँ पर एक दिया है। तो यहाँ पर जैसे टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ है, तो टेम्पो ट्रैवलर खड़ा है तो न्यूट्रल करके, तो अब गाड़ी अगर न्यूट्रल है तो यहाँ से सीधी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। अब ऐसा कहते हैं कि जो इल्यूजन है वो ये है कि आपको यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लगेगा रोड ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ सपोज खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि रोड ऊपर है, मुझे तो लग रहा है कि रोड थोड़ी सी स्ट्रेट है और उसके बाद नीचे चली जाती है। ये तो इस तरफ की बात होगी, तो यानी जो लिखा है उस हिसाब से महसूस नहीं हो रहा खड़े होके, लेकिन यहाँ पे ज़रूर क्लियर इंक्लाइन है। वो देखो वो सामने जो ट्रक गया उसको फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी चढ़ानी पड़ रही है। अभी वापस इस तरफ को आते हैं। अब मैं बताता हूँ इस जगह बात क्या है, यहाँ पर जो कंपास है ना वो ढंग से काम नहीं करता, और वैसे भी अगर कहीं पर मैग्नेट हो तो कंपास ढंग से काम नहीं करता। तो ऐसा कहते हैं कि इस पहाड़ के पीछे वो काले रंग वाला पहाड़ है, काला ब्राउन करके डार्क, तो वहाँ जहाँ बड़े सारे बादल हैं ऐसा कहते हैं वहाँ पर कुछ मैग्नेटिक पावर है। तो जैसे आप न्यूट्रल कर दोगे गाड़ी को, गाड़ी थोड़ी सी सीधी जाएगी 30-40 मीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न की तरफ ऑटोमेटिक मुड़ जाएगी। स्पेशली मान लो ऐसी गाड़ी जिसके अंदर सरिया सुरिया है, आयरन की आइटम है, उस तरह की गाड़ी की बात हो रही है। तो ये जो है चीज़ें मेरे को मालूम थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पॉइंट है ये। अब आप देख लो इस समय कितनी बाइक्स खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ कैफ़ेज़ हैं सामने, और ये खुला सा वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ देखो, हवा यहाँ पर तेज़ चल रही है। कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे ना रॉक कार्विंग्स के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि लद्दाख में जगह जगह आपको नियोलिथिक टाइम्स की रॉक कार्विंग्स देखने को मिलेंगी। और लद्दाख के जो लोग हैं बेसिकली जो शुरू के लोग थे वो इंडो आर्यन पॉपुलेशन को बिलोंग करते थे, मॉन्स और दर्द ट्राइब, ये दार्द बोलते हैं,
जब मैं कश्मीर में गुरेज वैली गया था ना, वहाँ पर भी मैं कुछ दार्द ट्राइब के लोगों को मिला था, और मुझे तब बताया गया था कि आपको लद्दाख में ये ट्राइब के लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लद्दाख में जो बुद्धिज़्म आया वो कश्मीर से आया इन दी सेकेंड सेंचुरी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लद्दाख में बुद्धिज़्म टिबेट से आया। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा सीनिक व्यू आएगा तो गाड़ी रोक कर देख लेंगे, दिखा देंगे, और फिर आगे हम मोनेस्ट्री पहुंचकर आपको ज्वाइन करेंगे। हमने सोचा एक काम करते हैं, संगम पॉइंट पहले देख लेते हैं, नहीं तो क्या होगा आलची पहुंचकर वापस आएंगे तो हो सकता है अंधेरा हो जाए। ये देखो जी, फाइनली हमने दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस देख ही लिया। ये सामने जो लोहे का ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ, मतलब मैं डायरेक्शन के तौर पे बता रहा हूँ, वहाँ सामने से इंडस आ रही है, हमने कल भी सिंधु नदी देखी थी, और ये सामने से जांस्कर रिवर आ रही है, और ये दोनों का हो गया संगम यहाँ पर। अब ये बन गई इंडस और ये सीधी चलेगी आगे, और आगे जाकर हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पीओ के एंटर कर जाती है स्कर्दू करके जगह है, फिर उसके बाद अरेबियन सी। एक चीज़ बताओ, अभी तो देखने से हमें को दो नदियों का रंग अलग अलग महसूस नहीं हो रहा, लग रहा है थोड़ा फ़र्क है लेकिन कम फ़र्क है। कोई महीना ऐसा होता जब दो डिफरेंट रंग के पानी हो? अक्टूबर नवंबर में ये दोनों अलग दिखेंगे, एक वाइट दिखेंगे एक ब्लू दिखेंगे सर। नवंबर में स्नो भी होगा तब भी ये जमता नहीं है, नवंबर के बाद जमता है ये। रिवर तो चलता ही होगा, बर्फ ऊपर आ जाती है? बर्फ ऊपर हो जाती है तो पूरा व्हाइट दिखती है, चादर, मतलब उसको हम चादर बोलते हैं। चादर तो चादर ट्रैक भी होता है इधर से? हाँ सर, चादर ट्रैक होता है सर, ये जांस्कर वाला चादर ट्रैक के लिए बहुत फेमस है। अच्छा। लगभग ये हफ्ते के लिए चादर ट्रैक भी करते हैं, जो इंडियन भी होते हैं, इसमें बाहर वाले फॉरेनर्स भी होते हैं। राफ्टिंग, राफ्ट खड़ी है ऊपर? अच्छा, ये राफ्ट, हाँ ये खड़ी है ना? हाँ सर, ये राफ्टिंग पॉइंट के लिए बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं व्हाइट राफ्टिंग। अभी ये लेह और मनाली के लिए दूसरा ऑप्शनल रास्ता बना रहा है। अच्छा, तो आज की डेट में अगर किसी को मनाली से ले आना है तो रास्ते में पासिस आते हैं, और वो 4-5 महीने का टाइम ऐसा था जब वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सर, हाँ सर। लद्दाख और ऊपर से श्रीनगर से डिस्कनेक्ट होता है। हाँ सर, क्योंकि वहाँ से भी ऑल वेदर रोड नहीं है। इससे मेरे को याद आ गया, वहाँ पे जोजिला टनल जो तैयार हो रही है ना, हम लोग अभी गए थे कश्मीर, हमने देखा था, तो जोजिला टनल तैयार हो रही है वो ऑल वेदर कंडीशन के हिसाब से, कि आप टनल के थ्रू लद्दाख पूरा साल कनेक्ट हो जाएगा, साल कनेक्ट जो पहले नहीं था। 12 महीना पहले तो कोई बीमार भी पड़ जाए, नवंबर दिसंबर तो बड़ी दिक्कत है, अगर एयरलिफ्ट ही करना एक ऑप्शन बच गई। क्या ना, संगम ऊपर से देखना तो अच्छा लग ही रहा है, एक बार नजदीक से भी देख लेते हैं। ठीक है सर, देखते हैं। चलेगा ना? चलेगा सर। तो यहाँ से कितना किलोमीटर लगेगा नीचे जाने? यहाँ से किलोमीटर लगभग मान लो 1 किलोमीटर मान लो। पास ही है? हाँ पास ही है। आओ चल। संगम के पास हम आ गए हैं। कुछ देर पहले हम जैसे ऊपर से देख रहे थे तो एक डिफरेंट व्यू था, अब ऑब्वियस है नीचे आके देखेंगे तो पानी आपके सामने है। ये सामने से इंडस आ रही है, ये जांस्कर रिवर, और ये राफ्टिंग चल रही है। अभी ये लोग राफ्टिंग कर कर आया, तो मैंने अभी पूछा भी था, सामने राफ्टिंग का काउंटर है ना, तो 6 किलोमीटर है जिसका चार्ज 900 रुपीज़ है, उसके ऊपर है 14 किलोमीटर 1800 रुपये, उसके ऊपर 22 किलोमीटर जिसके 2600 रुपये। अगर किसी को 22 किलोमीटर करना है तो फिर सुबह के टाइम आना होता है। मस्त है, बहुत बढ़िया। आओ थोड़ा उस तरफ को चलेंगे संगम, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है ना, थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ना पोस्टर लगा हुआ है, लद्दाख बंजी जंपिंग 7 किलोमीटर फ्रॉम संगम पॉइंट टूवर्ड्स चिलिंग। मैंने तो एक ही जगह बंजी जंप होते देखा था, ऋषिकेश के पास। यहाँ से आइए वो आगे। अच्छा, कितना हाइट से कराते हैं? अच्छा, आप कहाँ, इधर की हैं? ओह लवली, चलो बहुत बढ़िया, नाइस मीटिंग यू, थैंक्स। जब हम वहाँ खड़े थे ना तो मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा था कोई ऐसा पॉइंट होगा कि नदी के एकदम बगल में आके आप खड़े हो जाओगे, और अब हम आ ही गए हैं। ये देखो जी, सितंबर महीने में जैसे बता रहे हैं ना कि दो डिफरेंट रंग के पानी दिखाई देते हैं,
तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो के दो डिफरेंट रंग के पानी देखो, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो अच्छा तो बहुत लगेगा, नो डाउट। अच्छा हो गया हम लोग इधर आए, यहाँ पर खड़े हो गए ना, पानी का करंट महसूस हो रहा है। उधर लग रहा था पानी थमा सा है, लेकिन इधर आके वो फीलिंग आ रही है कि करंट तेज है। स्पेशली आप देखो ना वहाँ पर, और अच्छी खासी बड़ी विड्थ है। अगर हम एक ओवरऑल बात करें, और जांस्कर में भी देख लो पानी का करंट तेज ही है, क्योंकि राफ्ट की स्पीड देख के अंदाज़ा लग रहा है कि तेज़ चल रही है। रुकते हैं हम यहाँ 10 से 15 मिनट, फिर चलेंगे। आज के दिन का ना ये बेस्ट सीन है, मैं आपको बता नहीं सकता इस समय कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। सोचो ना, कब से हम लोग इंडस के बारे में सुन रहे हैं, मतलब बचपन में स्कूल टाइम से सुन रहे हैं, इंडस नदी, इंडस वैली, सिविलाइजेशन, और यहाँ पर आके इंडस नदी को अपने सामने देख रहे हैं, तो खुशी की बात तो है, बहुत खूब। शॉर्ट में बोलेगा तो दिल खुश हो गया, लवली। आलची मोनेस्ट्री से अभी हम केवल 3 किलोमीटर दूर हैं। सामने जो रोड दिख रही है, हम वहाँ से आए, नीचे हमने ये पुल पार किया, और इधर से घूमते घूमते इधर तक आ गए हैं। यहाँ पर हमें रॉक आर्ट देखनी है। एक तो देखो रॉक आर्ट में ये सामने इस चट्टान के ऊपर एनिमल फिगर बनी हुई है, और सामने कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। ये काम इन्होंने बहुत बढ़िया किया, बाहर गेट लगा दिया जिससे कि कोई अपनी बाइक लेके या गाड़ी लेके आगे ना जाए। इस जगह की खास बात क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 किस्म के रॉक आर्ट्स हैं। सोचो 3000 साल पुराने रॉक आर्ट किसको बोलते हैं, बी एनग्रेविंग्स हैं, स्तूपास एंड वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिटन इन टिबेटन डेटिंग फ्रॉम अराउंड 11th century। एक काम करते हैं, इधर से चलते हैं और वहाँ नज़दीक चलकर उस स्टोन को देखेंगे। इधर नीचे की तरफ आने से ना, एक तो ऑब्वियसली हम रॉक आर्ट देख रहे हैं, उस बात की खुशी है, और दूसरी इस बात की खुशी भी है कि इंडस नदी का जो बहाव यहाँ पर खड़े होकर हम देख रहे हैं, इसको देख के खूब मज़ा आ रहा है, करंट महसूस हो रहा है, अच्छा खासा तेज है। ये सारी रॉक आर्ट्स को ना सीरियसली प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एटलीस्ट एक बात की मुझे खुशी है, इन्होंने इसको ओपन में नहीं छोड़ा, कम से कम बाहर गेट लगा दिया, पहला स्टेप तो चल चुके हैं। कितनी प्यारी रॉक आर्ट है, बहुत खूब। ऊपर जैसे हमने लिखा हुआ पढ़ा था ना कि हमें 900 साल पुराने यहाँ पर रॉक आर्ट मिलेंगे, जिससे जिसको देखकर हमको समझ में आएगा कि स्तूपा की वो शेप है। अब यहाँ देख लो, ये तो बड़ा क्लियर डिज़ाइन है, एकदम कॉर्नर में ये भी सिमिलर डिज़ाइन है, ये भी सिमिलर और ये भी सिमिलर। कुछ एनिमल फिगर ना मेरे को पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, चलते हैं। ये देखो जी, आज से 3000 साल पहले एनिमल फिगर्स इस चट्टान पे बनाई गई, और गिनने जाएगा तो कम से कम 8 से 10 है जो एक ही फ्रेम के अंदर है, और उसके बाद 11th century में उसी फ्रेम के ऊपर स्तूपा ड्रॉ किया गया, मतलब स्टोन से कार्व किया गया, बहुत खूब। ये देखो जी, बड़ा क्लियर हमें हंटिंग सीन दिखाई दे रहा है, एक आदमी तीर लेके आईबेक्स पे चला रहा है, एक आईबेक्स पीछे और एक सामने, और नीचे की तरफ भी दो, एक ये और एक वो सामने। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए, इधर रुके, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि 7 बज चुके हैं।
तो फाइनली हम आलची पहुंच गए हैं। जब हम आलची गांव एंटर कर रहे थे ना, तो मैंने ऐसा नोटिस किया, लेफ्ट राइट दोनों तरफ घर थे और अंदाज में 100 के आसपास होंगे, उसको हमने वीडियो नहीं बनाया लेकिन वैसे आपको मैंने बता दिया। और एक नैरो रोड नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी आराम से आ गई है यहाँ पे। ये छोटी सी पार्किंग स्पेस है, एक इन्होंने यहाँ एरो लगा के लिखा हुआ है पेड पार्किंग, यानी अंदर एक पार्किंग हो रहा है। सबसे पहले हम मोनेस्ट्री चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना देखो 2-3 रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे ये देखो, अच्छा खासा रेस्टोरेंट का अपकीप है, नाइस। ये गेस्ट हाउस है, होटल है क्या? अच्छा, बड़ा अच्छा सा होटल लग रहा है। क्या नाम है? जिम्स खांग, ये नाम भी लिखा हुआ है ना ये तो। अच्छा, इनका रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा है, नाइस। वैसे मैं सही बताऊं, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि आलची, जो कि ले से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, वहाँ पे इस प्रकार का होटल होगा। इधर से देख लो, अभी अंदर तो जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसको देख के अपकीप लग रहा है जैसे हम किसी ले के होटल को देख रहे हो। हेलो जुले, जुले। मोनेस्ट्री सुबह कितने बजे ओपन होती है? सुबह खुलते हैं ना। कितने बजे? 7 बजे। और इवनिंग? 6। हम लोग लेट हो गए। हमें एक्चुअली क्या, वो पेंटिंग्स भी देखनी थी, बिकॉज ये तो पर वो दिन में अभी तो लाइट भी नहीं है ना, हाँ, नहीं है। हाँ, एक्चुअली हमें मालूम नहीं था कि 6 o'clock क्लोज हो जाती है। अभी जा रहे हैं वापस? नहीं, वापस नहीं जा रहे, ऐसा क्लॉक वाइज चलकर थोड़ा देख लेते हैं मोनेस्ट्री। नहीं नहीं, रात को इधर रुकना है? नहीं, हम लोग तो ले जा रहे हैं। अरे तो जस्ट अगर पॉसिबल है कि अगर आप किसी को जानते हो, थोड़ा रिक्वेस्ट में एटलीस्ट हमें दिखा दें। जानते तो हैं हम, तो देखो दोबारा लद्दाख तो पता नहीं कब आए, बनाने तो नहीं देंगे तो। नहीं, एटलीस्ट हम तो विजिट कर ले। हाँ, हाँ। अगर इतना तो उधर से घूम के मैं पूछती हूं। हाँ, मतलब वीडियो भले अलाउ ना करें, लेकिन एक बार हम विजिट कर ले, इतना रिक्वेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। चलो, ये भी चांस बन रहा है, चांस बन रहा है, क्योंकि लोकल है ना, तो इन्होंने कंसिडर कर लिया। देखो अंदर वो वीडियो भले अलाउ ना करें, लेकिन हमें विजिट करने को मिल गया और हम पेंटिंग्स खुद देख लें, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। वो तो भी 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है ये। हो गया ना 1000 साल? 9000, हाँ, 11th century का। तो ये लद्दाख रीजन की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री होगी? हाँ, मना जाता है पुराना वाला, है ना, सबसे पुराना वाला ये मना जाता है। इसमें ना अंदर मंत्र लिखे होते हैं, हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो आप एक तरह से उन मंत्रों को महसूस कर रहे हो, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी आ रही है और एनवायरनमेंट में भी आ रही है। अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर विजिट करके ना बाहर की तरफ आ चुके हैं। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या देखा, तो कहीं मैं नाम लेने में मिस्टेक करूँगा तो आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मेन टेम्पल के अंदर जाकर ना हमने लॉर्ड वैरोकना जी के दर्शन करे। जो मुकुट था उसमें स्टोन्स होते हैं ना, फिरोजा, ओल्ड, वेरी ओल्ड स्टोन। और मैंने ये भी नोटिस किया दर्शन कर लेने के बाद, मोनेस्ट्री के जो चारों तरफ वॉल्स है ना, उन पे पेंटिंग्स हो रखी थी। थोड़ा तो देखो मेरे को जानकारी थी क्योंकि मैं पढ़कर आया था, बाकी मैम ने और गुरुजी ने हमें बताया कि जो पेंटिंग्स हैं वो जब मोनेस्ट्री बनी है आज से 1000 साल पहले, उस समय की ये पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स देखते देखते एक पेंटिंग तो हमने ऐसी देखी, महाकाल बोलते हैं ना, हाँ, महाकाल, वो बड़ी पेंटिंग थी। वहाँ पर हम सेंटर से देख रहे हैं तो स्ट्रेट जो डीएटी हैं, मतलब वो हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर हम 2 फुट इधर आ गए तो हमारी तरफ देख रहे हैं। 3D पेंटिंग बोलते हैं ना, वो चीज़ हमने देखी जो 1000 साल पहले बनाई गई है, गुरुजी ने हमें एक्सप्लेन किया। और ये जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि ये जो पूरी ये मोनेस्ट्री है, ये बनाने में जो आर्टिशंस आए थे, जिन्होंने आर्ट वर्क किया, वो कश्मीर से आए थे, कश्मीर से आए। और 40 आए थे आर्टिशन, 30 से 40 लोग आए। और फिर हमने नोटिस किया कि ऊपर जो फ्लोरिंग है, मतलब हम ऊपर देख रहे थे ना, तो वुडन रूफ थी। और ये पूरी मोनेस्ट्री मिट्टी से बनी हुई है, जैसे अभी हम ये खड़े हैं ना, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। तो क्योंकि 1000 साल पहले तो यही साधन होते थे, लकड़ी और मिट्टी। अब क्या हुआ कि इस रीजन में ना बरसात होती नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से है कि बरसात होने लगी, यहाँ पे केवल स्नोफॉल होती है। तो समय के बाद अब जब ये वातावरण बदल रहा है, तो हम मोनेस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए 100 रुपीज पर पर्सन टिकट लगती है। तो अंदर मैंने नोटिस किया, ग्लास से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि कोई पेंटिंग को हाथ ना लगाए। आप पेंटिंग को देखो, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। 3
मूर्तियों को के भी दर्शन किए, एक तो मेरे को ध्यान में मैत्रेय बुद्ध अवलोकेश्वर जी, मंजूश्री ऑलमोस्ट आई थिंक 4 मीटर के आसपास तो टॉल स्टैचू होगा, 13 फीट 14 फीट 17 फीट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको जरूर आना चाहिए, डे टाइम में आना चाहिए। और आप लोग के होने से ना ये फायदा होगा कि आपने हमें पेंटिंग दिखा दिखा के बताया, जैसे मैंने बताया ना कि वो 3D पेंटिंग थी, वो हमें कैसे पता चलता, आपने बताया तो हमें मालूम चला ना। जी, जी, जी। बताने को तो टाइम नहीं ना, एक एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ बताने जैसा है। चलो बहुत खूब, तो अभी हमें ना यहाँ से चलना चाहिए, समय कैसे गुजर जाता है, 7:40 होने का टाइम हो गया, मतलब सनसेट हो चुका है और 2-4 मिनट में पूरी तरह से डार्क हो जाएगा। अभी हम मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं, तो चलने से पहले गुरुजी आपका भी धन्यवाद, और मैम थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मोनेस्ट्री से मैम को हम थैंक्स करके निकले और थोड़ा मार्केट में शॉप्स देख रहे थे, तो पता लगा मैम अपनी शॉप में बैठी हुई है, तो हमने कहा चलो सही आपसे मुलाकात हो गई। तो एक चीज बताइए, अब आपके पास तो बहुत कुछ है, ठीक है, आप लोग के पास ना, मैंने धर्मशाला साइड गया था, वहाँ देखा सिंगिंग बोल होता है। अच्छा है सामने। हाँ जी, ये काफी सारे मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, 7 मेटल मिक्स होते हैं, हैंडमेड सिंगिंग, हैंडमेड पे ये वाइब्रेशन जो होता है ये फील करना होता है, हीलिंग पर्पस के लिए होता है ये पूरा, ये हैंडमेड होता है, हाथ से बहुत कूट कूट के बनाते हैं इसको। अच्छा। हाँ जी, मशीन वाला थोड़ा सस्ता होता है, लोग क्योंकि इजी होता है ले जाने के लिए, तो छोटा वाला मशीन वाला लेते हैं। बहुत देर तक चलता रहेगा, हाथ लगाओ, वाइब्रेशन है। हाँ, वाइब्रेशन होता है, वही पूरा बॉडी को तो काम देता है। क्या कॉस्ट होती है? 7,000। हाँ जी, ये यहाँ का लद्दाखी लोग सब जब शादी होता है तो इसको दुल्हन को पहनाते हैं, तो ये तो नया है, लेकिन पुराना बहुत पुराना होता है, कितना लाख का होता है। अच्छा। हाँ, हर मम्मी जो है बेटी को देते हैं ऐसा पुराना, अब ये तो नया बना हुआ, पर फॉरनर लोग ऐसे बेसिकली प्रेशर स्टोन्स होते हैं। हाँ, प्रेशर स्टोन। बहुत खूब। कॉन कहते हैं इसको, ये भी मेडिटेशन के लिए होते हैं। क्या प्राइस होती है इसकी? 18,000। चलो अच्छा, मैम आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी, आपकी शॉप भी देख ली हमने, और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू, बाय बाय। जब हम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे ना, तो रास्ते में ही मैंने आलची किचन के नाम से रेस्टोरेंट देखा था, तो मैं तभी अंदर आके मैम से पूछ गया था कि हम हाफ एन आवर में आ जाएं चलेगा, तो शी सेड कि आप आ जाओ। तो स्क्यू पूरी डिश का नाम होता है या कैसा रहता है? जब पूरा बन जाता है उसको स्क्यू बोलते हैं। और आपने आटे से जो तैयार किया? से, हाँ जी। गाजर डाला, दूसरा ऊपर के गाजर, अभी जो भी अवेलेबल सीजनल वेजीज होता है वो डालते हैं हम, गाजर जैसे आलू हो गया। तो ये क्या है, लीफी है? लीफी, अभी हमारे गार्डन में केल लीव्स ग्रो कर रहे हैं तो वो डाला हमने, और थोड़ा सा ऊपर से मेथी डाल दिया थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो आपके पास छुतागी हमने 2 दिन पहले खाया था जी, अवेलेबल है? जी अवेलेबल है। रेडी है, बनाना पड़ेगा? रेडी है। कहाँ है, दिखा सकते हैं? जी, थोड़ा सा है अभी, थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, तो एक तो मैं आपसे स्क्यू ले लूँगा, थोड़ा सा मेरे को टेस्ट के लिए हल्का सा छुतागी दे दीजिएगा। जी जी, थोड़ा ये वैसे डिफरेंस क्या दोनों में? एक तो शेप डिफरेंट है, अदरवाइज सिमिलर प्रिपरेशन इज सिमिलर। कैरेट ग्रोथ है यहाँ पे? जी, कैरेट, आलू, ज़्यादातर रूट वेजिटेबल्स यूज़ किया जाता है हमारे लद्दाखी खाने में, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स विंटर में भी अवेलेबल होता है, तो विंटर में भी हम यही खाते हैं। चलो अच्छी बात यह है कि आपने 5 मिनट का समय निकाल लिया जी, और आप साथ ही बैठ गए। स्क्यू और छुतागे, थोड़ा ये ड्राई वर्जन में बन गया। अच्छा। और छुतागे हमेशा सूप थोड़ा सा ग्रेवीश होना चाहिए। अच्छा, वो मेथी पत्ता डालने से थोड़ा फ्लेवर आ गया। अच्छा मैम, बहुत बढ़िया।
इसमें ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? मस्टर्ड ऑयल। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा कि आप यहाँ बैठे हो इसलिए बोल रहा हूँ, बट अदरवाइज मैंने जब फर्स्ट स्पून लिया ना तो मुझे मन से ऐसा लगा कि दो तीन बार खा के इसके टेस्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा, नंबर वन। सेकंड चीज़ अगर ग्रेवी में होगा तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं खा रहा हूँ ना अब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो मतलब थर्ड फोर्थ स्पून ऑनवर्ड्स टेस्ट मेरे को पसंद आ रहा है, डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, लेकिन वो दो तीन बाइट्स में हो गया, ऐसा नहीं है कि तीन चार बार खाना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि टेस्ट अच्छा है। तो मैम ये सामने देख के लग रहा है कि आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। जी सर, तो हमारा ये रेस्टोरेंट आलचे किचन ऑल वुमेन रन किचन है सर, और फर्स्ट लद्दाखी किचन एंड फर्स्ट ओपन किचन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें नारी शक्ति अवार्ड किया। बहुत खूब जी, फैंटास्टिक। साथ साथ छुटा के भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे लास्ट ईयर के हमारे टोमेटोज है सर, इसको हम सन ड्राई करते हैं। तो लद्दाख में एक सन ड्राइंग कल्चर का बहुत वो है चलन, तो जो भी हमारा जैसे कि ये ग्रीन लीव्स भी हो गया उसको भी हम सन ड्राई करते हैं ताकि विंटर में आसानी से यूज़ कर सकें। तो अभी जो टोमेटो हम खा रहे हैं एक्चुअली लास्ट ईयर के हैं। जी लास्ट ईयर के हैं, तो इसको हम अभी कर रहे हैं यूज़ सोक करके। आपके यहाँ तो विंटर बड़ा चैलेंज है ना कि सर्दी बहुत हो जाती है। कितना टेम्परेचर जाता है यहाँ पे? -25 to 30। बट टफ है, देखो कहना आसान है लेकिन रियल में सिर्फ सर्दी की बात नहीं है, आपका एमिनिटीज कम हो जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आज मिल रही हैं उसका चांस जीरो हो जाता है, और अगर कोई बीमार हो जाए तो वो अलग चैलेंजेस है। आपसे कह रहे हैं टेस्ट में थोड़ा फर्क तो है और वो आई थिंक टोमेटो की वजह से, एक यूनिक किस्म की खटास है इस टोमेटो में और लोकल टमाटर और भी खट्टा होता है एज कम्पेयर टू। बहुत बढ़िया, अब एक काम करते हैं, फूड फिनिश करके हम यहाँ से अगले 10 से 15 मिनट में चलेंगे। आपको थैंक्स जी, थैंक यू सो मच, आपसे मिल भी लिया और आप यहाँ पे हमने लोकल फूड भी टेस्ट एंजॉय कर लिया जी। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर हम ले जाते हैं तो ये होगा 68 किलोमीटर, और जो गुरुद्वारा है वहाँ पहुँचने में हमको कितना, 50 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। I wish you had more time. We also wish कि हम जल्दी आ जाते तो आपको मैं और भी कुछ varieties खिलाती। और उससे ज़्यादा तो मेरे को क्या लग रहा है, अगर हम आपसे एक दिन पहले बात कर लेते तो possible था कि कुछ जी हमारा desserts है local, तो वो भी हम खिलाते आपको, time होता तो आपके पास। कोई बात नहीं, maybe some other time। जी जी, thanks again। तो आपसे हम कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं, यहाँ से हम सीधे चलेंगे और पत्थर साहिब गुरुद्वारा पहुँच कर आपको ज्वाइन करेंगे। हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुंच चुके हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया ना तो मुझे मालूम चला कि टाइमिंग्स रात को 9 बजे तक होते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मतलब अगर कंसिडर कर लें तो हम दर्शन कर सकेंगे, तो इन्होंने बोला ठीक है। तो अब हम अंदर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर स्थान की हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी देंगे और खुद भी समझेंगे। आइए जी, गुरुद्वारे के अंदर जाके मैंने अभी दर्शन करे, उसके बाद लंगर किया। अब मैं ना बाहर की तरफ आ चुका हूँ, हमारे साथ इस समय गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी साहब हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने हमारे लेट आने के बावजूद हमें दर्शन करवाए। इस स्थान के महत्व के बारे में और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी दे देंगे? हरी जी, पहले आपका गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब में गुरु नानक देव जी की चरण छो इस स्थान पर आपका, आपकी टीम का स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल के अंदर 4 यात्राएं की थी, जिसको पंजाबी में उदासी या जर्नी कह सकते हैं। तीसरी उदासी के दौरान, यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक देव जी इस स्थान पर आए थे, तो यहाँ पर जो एक पत्थर के रूप में आप देख रहे हैं उसकी घटना ऐसे है कि गुरु नानक देव जी 1517 के अंदर जब तीसरी उदासी के दौरान आते हैं
तो यहाँ पर बैठ करके वो भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस भगवान के साथ जब जुड़े होते हैं, यहाँ के लोग बाग उनके साथ जुड़ते हैं, वो उनके दुख दूर करते हैं और उनके साथ आध्यात्मिकता की बात गुरु नानक देव जी करते हैं। यहाँ के लोग बाग गुरु जी से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु जी एक राक्षस यहाँ पर हमें बहुत तंग करता है, हमारे जानवरों को तंग करता है। उधर से उस राक्षस को भी पता लगता है, फिर वो राक्षस क्या करता है, गुस्से के अंदर आ जाता है, ये कौन है, इसके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, वो ऊपर पहाड़ से पत्थर फेंकता है। गुरु नानक देव जी बैठे हुए भगवान के साथ एकमिक हैं, क्योंकि तो भगवान का रूप है, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, गुरु नानक साहब के लिए जो वाणी है। तो जब वो बैठे तो पत्थर आता है, तो पत्थर उनकी पीठ के पे लगाता है, वो एक तरह का मोम बन जाता है और गुरु नानक देव जी की आकृति पूरी उसमें उभर जाती है। उसके बाद वो राक्षस नीचे आता है, देखता है कि अभी ये बंदा जो भी है वो मर गया होगा। जब देखता है कि वो उसी तरह इंसान बैठा और वो एक भगवान के नाम के साथ या किसी तरह वो जुड़ा हुआ है, उसको और गुस्सा आता है, वो अपना दाहिना पैर निकाल के और पत्थर के राइट साइड में मारता है, उसका पैर उसी में फंस जाता है। उसको फिर महसूस होता है कि ये तो कोई भगवान का रूप है, मेरे से बहुत बड़ी खता, बहुत बड़ी गलती, भूल हो रही है। फिर वो गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगता है कि आप मुझे क्षमा करें, मेरे से भूल हुई है, आपको मैं पहचान नहीं पाया। श्री गुरु नानक देव जी उनको बोलते हैं कि भाई अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति कोई पावर दी है लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के भले के लिए, उनको सुख देने के लिए, ना कि तंग करने के लिए। उसके बाद फिर वो राक्षस एक अच्छा इंसान बनता है, लोगों का उद्धार करता है। ये गुरुद्वारा साहब पत्थर साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लद्दाखी लोग रिम्पू जी के नाम से सबसे बड़ा गुरु जो यहाँ गुरु जी को पुकारते। 1962 की लड़ाई जो भारत और चाइना की, उसके बाद 70 के बाद जब ये रोड बनता है तब यहाँ पर ये स्थान प्रकट होता है, क्योंकि इंजीनियर जब देखते हैं सड़क के बीच में आ रहा है तो उनको सपने में भी महसूस होता है। फिर यहाँ के लोग बाग भी बताते हैं इसको पहले ग्रिप संभालती थी, आज इंडियन आर्मी इसको देखभाल कर रही है, सेवा कर रही है भगवान की कृपा से। यहाँ पर आप सभी के सहयोग से 24 घंटे गुरु का लंगर चल रहा है, चाय पानी चल रहा है और यहाँ अपार तकरीबन 2000 2500 3000 रोज़ भक्तों का और यात्रियों का दर्शन का यहाँ पर आने का रहता है। आज ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी के नाम से गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब लद्दाख में नहीं, हिंदुस्तान में ही, पूरे संसार में बहुत ज़्यादा वो अपने नाम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, एक तो आपको धन्यवाद, आपने हिस्ट्री के बारे में हमें बताया। दूसरी कुछ बातें मैंने पिछले 5-10 मिनट से इनसे हो रही थी, तो जैसे अभी समर टाइम चल रहा है, तो समर टाइम में दिन में थोड़ा गर्म रहता है, रात के समय ठंडा हो जाता है, तो कायदे से इस समय हमको जैकेट पहन लेना चाहिए जी। और आपने मुझे बताया कि इस जगह बेसिकली इस रीजन में जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं विंटर में एक्सट्रीम टेम्परेचर -30 से -35 तक टच कर जाता है, और आज जो हम ग्रीनरी देख रहे हैं ये अक्टूबर के बाद नहीं रहेगी जी। जब सर्दी होती है विंटर के अंदर ये ग्रीनरी खत्म हो जाती है, क्योंकि हरियाली नहीं रहती यहाँ पर, पेड़ पौधे सारे मुरझा जाते हैं, पत्ते सारे झड़ जाते हैं, एक्सट्रीम विंटर बिल्कुल। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद फिर दोबारा से हरियाली शुरू होती है, फिर वो पेड़ पौधे अपने उभरने शुरू होते हैं। ये श्री गुरु नानक देव जी की कृपा है कि यहाँ पर आप 12 महीने और कभी भी आ सकते हो, आपको इसी तरह सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो इस समय ऑलमोस्ट 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया, आज का हमारा एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। काफ़ी लंबा दिन रहा, अब यहाँ से हमें ले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। और कल हमारा प्लान है नुब्रा वैली जाएंगे, तो जो कल की जर्नी होगी वो अगले एपिसोड में देखोगे। तो ले में हमने 2 दिन बिताए हैं, जो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और कोशिश करेंगे जब हमारी जर्नी एंड हो रही हो तो ले वापस लौट कर आए और ले से हम मनाली जाएँ, ये हमारा कुछ थॉट है। बाकी फिर देखते हैं जैसे जर्नी प्रोग्रेस करेगी, राइट। तो मैं आपको फिलहाल इधर ही बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी सर, जाने से पहले आपको एक बार दोबारा धन्यवाद जी, ठीक है जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज सुबह से हमने जितने व्यूज देखे हैं ना, सब एक से एक बढ़कर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा मजा मालूम है कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है।